बेलगोरोड में आज सुबह फिर से यूक्रेनी मिसाइल अटैक, बड़ी खबर शॉट से गाय बगल में, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी मिसाइल को नाकाम किया। रूस के बेलगोरोड में लगातार काउंटर अटैक कर रहा है यूक्रेन। पर यूक्रेनी हमले को लेकर दी है धमकी, रशियन फेडरेशन पर हमले का जवाब कीव पर हमले से होगा। बेलगोरोड में ये फायर की तस्वीरें आपके सामने हैं, मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाने जा रहा हूं जो मिसाइल अटैक किया गया था, जिनको उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह खत्म कर दिया। खाली ब्रेकिंग कर रहा हूं। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके बाद राहुल एक और ब्रेकिंग हम दिखाना चाहेंगे, एक और सीधे ब्रेकिंग दिखाइए और ये दोनों ब्रेकिंग साथ दिखाएंगे। बेलगोरोड में कल रात कई जगहों पर धमाके और आगजनी, दिखाइए रूस ने बेलगोरोड में मिसाइल अटैक की बात को नकारा। शॉट दिखाइए जो अभी दिखाया था हमने। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के चॉपर्स ने बेलगोरोड में ऑयल टैंकर उड़ाए थे। बेलगोरोड के बेस से ही रूसी सेना ने यूक्रेन की तरफ से किया था कूच। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, रशिया ने कल ही धमकी दी है कि अगर रशियन फेडरेशन पर हमला किया गया तो हम जवाब देंगे, लेकिन इट सीम्स कि यूक्रेन इज नाउ ऑल आउट। बिल्कुल, और देखिए सबसे अहम बात है कि दो अटैक की बात कही जा रही है रूस की ओर से। उनका कहना है कि दो अटैक हुए हैं, हालांकि अभी एग्जैक्ट यूक्रेन ने कंफर्म नहीं किया है। तो आप बेलगोरोड का बता रहे हैं, वो दूसरा जो अटैक हुआ वो बेलारूस के बॉर्डर पर एक गांव में हुआ है। ये दो अटैक बैक टू बैक हुए हैं। आपको ये सब जोड़ लीजिए, आप जो बता रहे हैं, एक अटैक हुआ है ब्रयांस्क इलाके में भी, जो आप गांव वाला जिक्र कर रहे हैं वो रशिया है या बेलारूस है, माय ज्योग्राफी इज नॉट दैट गुड, लेकिन ब्रयांस्क में उसके मैंने विजुअल्स भी देखे हैं, वो कल की जो खबर आई है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल, तो देखिए ये जो दो अटैक हुए हैं ये रशिया की ओर से कहा जा रहा है कि उस पर अटैक किया गया, और इसको आप जोड़ दीजिए मोस्कोवा को जिस तरह से हिट किया गया है, और उसके बाद रूस ने ये चेतावनी दे दी है कि वो और हमले करेगा। जिस फैक्ट्री की आप बात कर रहे थे, वीजार फैक्ट्री, जहां से ये मिसाइलें बनाई जाती थी, और साथ में रॉकेट भी वहां पर उनके तमाम सारे उनके पार्ट्स वहां पर निर्माण किया जाता था, उन पर सीधा अटैक किया है। और अगली चेतावनी ये है कि वो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पर कीव के अंदर अटैक करेंगे, तो कीव उनके लिए एक वार्निंग सिग्नल है कि अगर और रशिया के भीतर अटैक हुए तो सीधे अटैक कीव के अंदर होंगे। और आपने जो दिखाया था, जो 10 इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस आपने दिखाई थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कीव के अंदर, वहां पर अटैक शुरू हो सकते हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं अभिषेक, ये वाकई में एक यहाँ पर बड़ी ऑडेसिटी है इनकी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।